Hello friends, in this video we discuss a relation. First of all, we see the Cartesian product of sets. Its definition is, let A and B be any two non-empty sets, the set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of the sets A and B, and it is denoted by A cross B. We take A and B, any two non-empty sets, and we form all ordered pairs, a collection of ordered pairs A, B. This is the ordered pairs. So we form all ordered pairs A, B such that A belongs to set A and B belongs to set B. Then this collection is called Cartesian product of two sets A and B. That is, A cross B is the collection of ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B. We take an example. Let A be any sets. Its elements are 2, 4, 5. This is the set whose elements are 2, 4, 5. And we take another set B. Its elements are 6 and 7. Now we construct a set. We form a collection of all such ordered pairs whose first component are elements of A and second components are elements of B. जैसे हम लोग यहां पर लेते हैं एक 2 और 6 एक ordered pair बनाते हैं. अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक सेट A लिए हुए हैं जिसका एलिमेंट है 2 4 5, दूसरा सेट B है जिसका एलिमेंट है 6 7. अब हम लोग ordered pair का सेट बनाते हैं. ordered pair जो बनाएंगे उसका फर्स्ट कंपोनेंट A का मेंबर होगा और सेकेंड कंपोनेंट जो होगा वो B का मेंबर होगा. इस तरीके से जितना भी ऑर्डर्ड पेयर बनता है उसका एक सेट बना लेते हैं. जैसे 2 6 हम लोग एक ले लिए, एक 2 7 हो जाएगा. नेक्स्ट पेयर इज 4 6, 4 7, 5 6 एंड 5 7. ये सारा ऑर्डर पेयर्स हो गया 2 6 2 7, 4 6 4 7, 5 6 5 7. ये सारा ऑर्डर पेयर्स का एक सेट बना देते हैं. इसी सेट को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम लोग एक मेंबर सेट ए का ले रहे हैं और एक मेंबर सेट बी का ले रहे हैं और उससे ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं. इस तरीके से जितना भी पेयर बन सकता था सारे पेयर का एक हम लोग कलेक्शन ले लिए और इसी कलेक्शन को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. हम लोग यहां पर बी क्रॉस ए भी बना सकते हैं, बी क्रॉस ए. तो यहां पर सेट बी को पहले लिखना है. 6 7 सेट बी का एलिमेंट है और दूसरा सेट जो ए है उसको बाद में लिखते हैं, 2 4 5. अब यहां पर हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो इसका एक एलिमेंट लेते हैं और एक एलिमेंट बाद वाला सेट का लेते हैं, दोनों से एक ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं. इस तरीके से जितना भी पेयर बन सकता है सभी हम लोग लिखेंगे, 6 4 6 5 7 2 7 4 7 5. इस सेट को हम लोग कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्रॉस ए. अब यहां पर आप देखिए बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है. इसमें एलिमेंट है 2 6 और इसमें एलिमेंट है 6 2. ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर है. 2 6 और 6 2 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो दोनों सेम नहीं है. इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 6 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट 6 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट 2 है. आप अगर ये प्लेन को कंसिडर करें, एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन को, तो ये जो
प्रोडक्ट ये ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 6 है, और ये दूसरे पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। तो ये दोनों डिफरेंट पॉइंट हो गया, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर है। तो इसीलिए ए क्रॉस बी जो है जिसमें 2 6 2 7 वगैरह एलिमेंट है, इसमें 6 2 7 2 वगैरह एलिमेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो इसीलिए ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ई, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी क्रॉस ई जो है वो दोनों इक्वल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो ऑर्डर पेयर है सेम ऑर्डर पेयर वहां नहीं है, यहाँ 2 6 है और वहां पर क्या है 6 2 है। तो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है, इसीलिए मैं पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया हूं, अब मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा। तो रिलेशन के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, पहले एक एग्जांपल से रिलेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद मैं डेफिनेशन बताऊंगा। तो हम लोग यहाँ दो सेट ले रहे हैं, ए में दो आदमी का नाम है पी सिन्हा और ए गुप्ता, और बी में तीन चिल्ड्रन का नाम है, सपोज कीजिए सोनू मोनू और ये बेबी, तीन चिल्ड्रन है। हम लोग सपोज ये करते हैं कि पी सिन्हा के का दो चिल्ड्रन है सोनू और मोनू, पी सिन्हा का सपोज कीजिए दो चिल्ड्रन है, दो सन है इसका, सोनू और मोनू सपोज कीजिए, और ए गुप्ता का मान लीजिए एक चिल्ड्रन है, एक डॉटर है इसका ए गुप्ता का बेबी। तो यहां पर हम लोग फादर्स का नेम लिए हुए हैं और इस सेट में हम लोग उसके बच्चे का नाम लिए हुए हैं। पी सिन्हा का दो चिल्ड्रन सोनू और मोनू, ए गुप्ता का एक चिल्ड्रन बेबी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इफ वी राइट आर फॉर द रिलेशन इज फादर ऑफ, मतलब इज फादर ऑफ जो रिलेशन है उस रिलेशन के बदले हम लोग एक लेटर यूज कर रहे हैं, आर लिख रहे हैं, तो देन द फैक्ट पी सिन्हा इज फादर ऑफ सोनू, देन द फैक्ट पी सिन्हा इज फादर ऑफ सोनू, एक ये फैक्ट है। दूसरा, पी सिन्हा इज फादर ऑफ मोनू, एंड ए गुप्ता इज फादर ऑफ बेबी, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय देखिए आप ये जो फैक्ट है पी सिन्हा इज फादर ऑफ सोनू, तो इज फादर ऑफ के बदले हम लोग आर लेटर लिख रहे हैं, ये पूरा वर्ड को हटा दे रहे हैं, ये तीन वर्ड वाला जो सेंटेंस है उसको हटा करके इसके बदले आर लिख रहे हैं शॉर्ट में हम लोग। तो इसको लिखेंगे पी सिन्हा आर सोनू, मतलब क्या हो गया, आर का मतलब है इज फादर ऑफ, तो आर का मतलब आर जो है वो इज फादर ऑफ, तो आर के जगह इज फादर ऑफ लिखिएगा तो पी सिन्हा इज फादर ऑफ सोनू हो गया। तो ये शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे इज फादर ऑफ को हटा करके उसके बदले आर डाल दिए हैं। फिर पी सिन्हा इज फादर ऑफ मोनू, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं पी सिन्हा आर मोनू। फिर ए गुप्ता इज फादर ऑफ बेबी, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ए गुप्ता आर बेबी। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आर लेटर को भी हटा करके इस दोनों का ऑर्डर पेयर बना देते हैं, ये जो दो नाम है उस दोनों नाम का ऑर्डर पेयर बना देते हैं। नाउ इफ वी ओमिट द
the letter R between pairs of name and write them as ordered here. Then the fact can be represented by a set R as follows. अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं. सबसे पहले तो ये जो फैक्ट था कि पी सिन्हा इज फादर ऑफ सोनू, तो इज फादर ऑफ के जगह हम लोग आर लिख दिए, पी सिन्हा आर सोनू. अब इस आर जो लेटर है, इस लेटर को भी हम लोग ओमिट कर दे रहे हैं और इस दोनों का एक ऑर्डर्ड पेयर बना देते हैं. तो पी सिन्हा सोनू एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, पी सिन्हा सोनू. इसी तरीके से जो दूसरा फैक्ट था, पी सिन्हा इज फादर ऑफ मोनू, तो आर को भी हटा दे रहे हैं और इसका एक ऑर्डर पेयर बना दे रहे हैं, पी सिन्हा मोनू. इसी तरीके से जो तीसरा फैक्ट था, ए गुप्ता आर बेबी, इस आर को हटा करके ए गुप्ता बेबी का एक हम लोग पेयर बना दिए, ऑर्डर पेयर. और जितना भी ऑर्डर पेयर बना उसका एक कलेक्शन ले लिए, एक सेट बना दिए. इस सेट को डिनोट कर रहे हैं आर से. इसी आर को हम लोग कहते हैं रिलेशन. ये रिलेशन हो गया फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सेट ए से सेट बी का ये एक रिलेशन हो गया. ये रिलेशन बता रहा है किसके बीच रिलेशन बता रहा है, पी सिन्हा सोनू के बीच. कौन सा रिलेशन बता रहा है, पी सिन्हा इज फादर ऑफ सोनू. आर जो लेटर है वो इज फादर ऑफ के जगह लिखा हुआ था, तो पी सिन्हा इज फादर ऑफ सोनू, ये दोनों के बीच एक रिलेशन बता रहा है. तो पी सिन्हा इज फादर ऑफ मोनू, ए गुप्ता इज फादर ऑफ बीबी, तो ये सभी एक रिलेशन बता रहा है. सेट ए से सेट बी के बीच रिलेशन बता रहा है. तो इस आर को कहेंगे आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकालें, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं ए और बी का, तो इसमें से दो एलिमेंट है, इसमें से तीन एलिमेंट है. जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो सिक्स एलिमेंट आएगा, पी सिन्हा सोनू. कौन कौन सा आ रहा है हम लोग लिखते हैं, पी सिन्हा सोनू, पी सिन्हा मोनू, फिर पी सिन्हा बेबी, फिर ए गुप्ता सोनू, ए गुप्ता मोनू, ए गुप्ता बेबी. और ए गुप्ता बेबी, ये आप देखिए सिक्स एलिमेंट्स आया है यहां पर, ये ए क्रॉस बी हुआ. आप जरा गौर कीजिए इस पर, आर जो सेट है ये इसी का एक सबसेट है. आर में जितना भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी का ही एक मेंबर है. जैसे देखिए पी सिन्हा सोनू यहां पर है, फिर पी सिन्हा मोनू यहां पर है, और फिर ए गुप्ता बेबी ये वाला, तो इसी का कुछ एलिमेंट यहां पर है. यानी कि आर में जो भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी ए क्रॉस बी का ही एक मेंबर है. तो आर जो है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट हो गया. एवरी एलिमेंट ऑफ आर इज एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का एक सबसेट है.
तो डिफाइंड किया गया रिलेशन को इस तरीके से कि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट है उसी सबसेट को रिलेशन कहते हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी देन आर मस्ट बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आर रिलेशन है सेट ए से सेट बी में तो आर निश्चित रूप से ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो सबसेट को हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन होगा लेट ए एंड बी be two sets the relation R from set A to set B is a subset of A cross B। अगर ए और बी हम लोग कोई भी दो सेट लेते हैं तो जो रिलेशन होता है आर सेट ए से सेट बी में, तो उस रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। जैसे इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं दैट इज आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इंप्लाइज, बोथ साइड इंप्लाइज आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब हो गया कि अगर ए और बी के बीच ये रिलेशन आर है तो आर निश्चित रूप से सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का तो वो जरूर ए और बी के बीच का एक रिलेशन होगा। तो सिंपल सा चीज है ये, रिलेशन क्या हो गया दो सेट का, हम लोग कोई भी दो सेट दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी निकाल लेंगे और ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा उसी सबसेट को हम लोग कहेंगे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, हम लोग मैथमेटिकली इसको समझते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज कीजिए ए में एलिमेंट है 2, 5, 10 और बी में एलिमेंट है 15, 20, 23। अब ए आर बी, इसका मतलब ए और बी के बीच ये रिलेशन है, आर एक रिलेशन बता रहा है ए और बी के बीच का। तो इसका मतलब हुआ कि ए डिवाइड्स B। हम लोग डिवाइड्स वर्ड के जगह हम लोग क्या लिखे हुए हैं, आर लिखे हुए। जैसे वहां इज फादर ऑफ की जगह हम लोग शॉर्ट में आर लिखे हुए थे, वैसे ही डिवाइड्स के बदले हम लोग शॉर्ट में क्या लिखे हुए हैं, आर लिखे हुए। ए डिवाइड्स बी को हम लोग ए आर बी लिख रहे हैं। तो इस रिलेशन के द्वारा आर में कौन कौन सा मेंबर होगा, आर एक सेट बना देते हैं और उस सेट में ऑर्डर पेयर बनाते हैं जिसका ए का एलिमेंट होता है और बी का एलिमेंट होता है। फर्स्ट में ए का एलिमेंट लिखना है और सेकेंड में बी का एलिमेंट लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए आर बी का मतलब हुआ ए डिवाइड्स बी। अब टू क्या 15 को डिवाइड करता है, टू 15 को डिवाइड नहीं करता है, टू 20 को डिवाइड करता है, तो 220 इसका मेंबर होगा 220। जैसे वहां पर जो फादर था उसी को हम लोग लिखे थे पी सिन्हा सोनू के फादर थे, पी सिन्हा मोनू के फादर थे, पी सिन्हा बेबी के फादर नहीं थे तो पी सिन्हा बेबी नहीं लिखा गया था। तो यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, टू डिवाइड्स जिसको जिसको करेगा उसके साथ ऑर्डर पेयर बना देते हैं। टू 15 को डिवाइड नहीं कर रहा है, टू 20 को डिवाइड कर रहा है, टू 23 को डिवाइड नहीं कर रहा है, फिर 5 15 को डिवाइड कर रहा है, 5 15 का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 520 को डिवाइड कर रहा है तो 520 का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 523 को डिवाइड नहीं कर रहा है, फिर 10 15 को नहीं कर रहा है, 10 20 को डिवाइड कर रहा है तो 10 20 का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 10 23 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो बस इतना ही ऑर्डर पेयर बनेगा इस रिलेशन में। तो ये रिलेशन जो बता रहा है वो डिवाइड्स बता रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट को डिवाइड करता है।
हम लोग ये जो लिखे हुए ए आर बी इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, बोथ साइड इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो है वो आर का मेंबर होगा। आप देखिए फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट को डिवाइड करना चाहिए, यहां पर फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकेंड कंपोनेंट को डिवाइड कर रहा है, 220 को डिवाइड कर रहा है, 515 को कर रहा है, 520 को कर रहा है, 1020 को कर रहा है। तो ये भी एक रिलेशन हो गया, दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। और मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए ए में एलिमेंट है 5, 20, 30, बी में एलिमेंट है 3, 9, 14, 21। अब हम लोग इस तरीके से रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ए बी इज रिलेशन सॉरी ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए इज लेस देन बी। मतलब ये जो लेस देन है ये दोनों नंबर के बीच एक रिलेशन बता रहा है लेस देन का, तो लेस देन के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं आर लिख रहे हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर बी बोथ साइड इंप्लाइज ए लेस देन बी, मतलब लेस देन की जगह आर लिखा है। तो इस आर सेट में यानी रिलेशन में कौन कौन सा मेंबर होगा, ऐसा ही मेंबर देखना है ताकि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकंड से स्मॉलर हो। 5, 3 से छोटा नहीं है तो ये नहीं होगा, 5, 3 का कंपोनेंट नहीं बनेगा, 5, 3 इसमें नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी आर का मेंबर तभी होगा जब ए बी से छोटा हो। तो यहां पर 5, 3 से छोटा नहीं है, स्मॉलर नहीं है, तो ये इसका मेंबर नहीं होगा। 5, 9 से छोटा है तो 5, 9 इसका एक मेंबर हो जाएगा। 5, 14 से छोटा है तो 5, 14 हो जाएगा। फिर 5, 21 से स्मॉलर है तो ये भी हो जाएगा। 20 जो है वो ना तो 3 से है, ना 9 से है, ना 14 से है, 21 से है। तो 20, 21 एक ऑर्डर पेयर इसका मेंबर हो जाएगा। 30 किसी से भी छोटा नहीं है तो वो 30 किसी के साथ भी नहीं आएगा, यानी कि इस रिलेशन में बस यही मेंबर होगा। 5, 3 नहीं होगा, 5, 9 हो गया, 5, 9 से छोटा है, 5, 14 हो गया, 5, 21 हो गया और 20, 21 हो गया, ये चार मेंबर। ये क्या बता रहा है, ये कौन सा रिलेशन है, इज लेस देन का। ये लेस देन बता रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट इज लेस देन सेकेंड कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स ये रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग और रिलेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में और कुछ देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ये रिलेशन, रिलेशन का डोमेन और रेंज क्या है इसके बारे में। देखिए लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन डोमेन को डिफाइन किया गया है, शॉर्ट में लिखते हैं डोम ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर। डोमेन इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट। आर का जो भी मेंबर है तो उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा उसका एक सेट बना लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। और रेंज किसको कहते हैं, रेंज ऑफ आर इज द सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। आप एक एग्जाम्पल से देखिए ये क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए यहां पर हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में दो सेट 2, 5, 10 और 11। बी में हम लोग लेते हैं, बी एक दूसरा सेट बना रहे हैं जिसमें हम लोग ले रहे हैं 10, 15, 23। अब यहां पर एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सेट ए से सेट बी में, ए आर बी का मतलब हो गया ए डिवाइड्स बी। ए इज द रिलेशन ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर, मीन्स ए डिवाइड्स बी। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बोथ साइड इंप्लाइज ए
divides B. तो A B को divide करेगा अगर, तो ये relation A, ordered pair AB जो है वो relation R का member हो. तो R में कौन कौन सा member आएगा? 2 divide कर रहा है 10 को, 2 10 हो जाएंगे. 2 15 और 23 किसी को divide नहीं कर रहा है. फिर 5 10 को divide कर रहा है, 5 10. फिर 5 15, 5 23 को divide नहीं किया. 10 10 को divide कर रहा है, 10 10 आ जाएंगे. फिर 10 15 और 23 को divide नहीं किया, 11 किसी को भी divide नहीं कर रहा है. तो ये हो गया relation from set A to set B. अब इसका domain, domain अगर लिखना है तो domain of R ये क्या होता है, जो relation में member है, जो ordered pair है उसका first component ले लेते हैं. First component है 2, फिर 5, फिर से 5, तो set में repeat करके नहीं लिखा जाता है, 5 एक बार में हम लोग लिख चुके हैं तो 5 दोबारा नहीं लिखेंगे. फिर 10, तो फर्स्ट कंपोनेंट ले लिए 2 5 और 10, इसी के सेट को हम लोग कहते हैं डोमेन. और रेंज के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेंज R इज इक्वल टू, हम लोग रेंज के लिए सेकेंड कंपोनेंट का सेट बनाते हैं 10, फिर 10 है दोबारा है तो लिखेंगे नहीं सेट में, फिर 15 और फिर से 10 है, तो वो एक बार लिख चुके हैं दोबारा नहीं लिखेंगे. तो ये हो गया रेंज, सेकेंड कंपोनेंट से जो सेट बनता है वो रेंज और फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनता है वो डोमेन. अब यहां पर देखिएगा कि जो डोमेन है वो डोमेन सेट ए का ही एक सबसेट है, डोमेन का सारा मेंबर जो है वो ए का ही है. तो क्लियरली डोमेन ऑफ आर इज द सबसेट ऑफ सेट ए. एंड रेंज जो है, आप यहां से देखिए, रेंज जो है इज द सबसेट ऑफ बी, रेंज का जो एलिमेंट है वो सारा बी में बिलोंग्स कर रहा है. तो हम लोग कह सकते हैं कि रेंज आर इज द सबसेट ऑफ बी. तो डोमेन और रेंज जो होता है, डोमेन सेट ए का सबसेट होता है और रेंज जो होता है वो सेट बी का सबसेट होता है. फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी रिलेशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे. ये अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए. हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो हम फ्यूचर में कोई वीडियो डालते हैं तो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, तो आप फिर उसको देख सकते हैं. थैंक यू.